गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हम आज बीएससी पार्ट सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर वन में, जो कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रा है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अधिकतर एग्जाम में आता है, उसका स्टडी करेंगे। वो टॉपिक है क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। तो क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम होता क्या है? क्रोमो यानी कलर। तो किसी पदार्थ में कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह होते हैं जो उस पदार्थ को या उस यौगिक को कलर प्रदान करते हैं, वो क्रियात्मक समूह कहलाते हैं क्रोमोफोर यानी कलर उत्पन्न करने वाले समूह। ये समूह ज़्यादातर असंतृप्त होते हैं। क्या होते हैं? असंतृप्त होते हैं। असंतृप्त यानी कि उन क्रियात्मक समूह में डबल बंद पाया जाता है, यानी कि पाई बंद पाया जाता है। पाई बंद से क्या होगा? पाई बंद होने से इनमें पाई इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण यानी ट्रांजिशन होने की संभावना रहती है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण कर अपने एक निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉन संक्रमण होता है और कलर उत्पन्न होता है। इसमें हम एग्जाम्पल के रूप में ये देख सकते हैं, जैसे एल्कीन है, एल्काइन है, कार्बोनाइल है, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, साइनाइड ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है। ये सारे ग्रुप क्रोमोफोर के उदाहरण हैं जो कि यौगिक में रंग उत्पन्न करते हैं। ये क्रोमोफोर पराबैंगनी प्रकाश और दृश्य प्रकाश में अवशोषण प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्रोमोफोर को दो समूहों में अब बांटा गया है। ये देखिए, पहला जो समूह है उसमें सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। पाई इलेक्ट्रॉन यानी वो समूह जैसे एल्कीन है, एल्काइन है, डबल बंड या ट्रिपल बंद है, जिनमें सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है। तो इनमें पाई इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा संक्रमण होगा? पाई टू पाई स्टार संक्रमण होगा इनमें। दूसरे समूह वो होते हैं जिनमें पाई भी होता है और साथ में एन यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम इसमें देख सकते हैं कार्बोनाइल समूह सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड एस, एन डबल बॉन्ड ओ, इन तीनों समूह में पाई बंद भी है और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी है। तो इनमें पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन भी हो सकता है और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है तो नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी हो सकता है। दो तरह के ट्रांजिशन हो सकते हैं जिनसे कि पदार्थ में कलर उत्पन्न हो सकता है। अब हम देखेंगे ऑक्सोक्रोम के बारे में कि ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं। क्या ऑक्सोक्रोम कलर उत्पन्न करते हैं? ऑक्सोक्रोम किसी प्रकार का कोई कलर उत्पन्न नहीं करते हैं। तो ऑक्सोक्रोम का क्या कार्य है? क्रोमोफोर जो कलर उत्पन्न करते हैं, ऑक्सोक्रोम उस कलर की तीव्रता को बढ़ाते हैं। ऑक्सोक्रोम में किसी प्रकार का असंतृप्त यानी पाईबंद नहीं पाया जाता। ऑक्सोक्रोम में सिर्फ एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ही पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? सिर्फ एकांकी इलेक्ट्रॉन ही युग्म पाया जाएगा। ये किसी यौगिक को रंग प्रदान नहीं करते हैं, रंग प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन रंग प्रदान करने की क्षमता या तीव्रता को बढ़ाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, है ना। साथ ही साथ ऑक्सोक्रोम ये रंग को कैसे बढ़ाते हैं? जो ऑक्सोक्रोम रंग को किस तरह से बढ़ाते हैं? ऑक्सोक्रोम जो होते हैं वो कम ऊर्जा पर ही संक्रमण शो कर देते हैं। तो जब कम ऊर्जा पे ही इलेक्ट्रॉन का एक लेवल से दूसरे लेवल पे संक्रमण आसानी से होगा तो कम ऊर्जा में ही कलर उत्पन्न हो जाएगा। इसके उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे अल्कोहल है, अल्कोहलिक ग्रुप है OH, ऑक्सीजन के पास एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म तो है लेकिन डबल बंद नहीं है। एमीन ग्रुप है, तीनों टाइप के प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन। सल्फर वाला है ग्रुप जिस पे एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है। चारों टाइप के जो हमारे पास हैलोजन्स हैं वो हैं, है ना। तो ये सब ऑक्सोक्रोम के उदाहरण हैं। किसी पदार्थ में ऑक्सोक्रोम होने से कलर उत्पन्न नहीं होता है, कलर उत्पन्न होने के लिए क्रोमोफोर की जरूरत होती है। ऑक्सोक्रोम क्रोमोफोर के साथ ही यौगिक में होता है यानी पदार्थ में होता है और क्रोमोफोर के द्वारा उत्पन्न किए गए कलर को बढ़ाता है। इसमें हम एग्जाम्पल अगर एक और अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ ये नाइट्रोबेंजीन है,
नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रो ग्रुप है NO2, तो NO2 ग्रुप में पाई बंद है यानी ये क्रोमोफोर है, इसके कारण कलर उत्पन्न होता है नाइट्रोबेंजीन में। लेकिन हम यहाँ साइड में जो एग्जांपल देखते हैं वो है ये वाला, वो किसका है, पैरा नाइट्रो एनिलीन का। तो इसमें नाइट्रो भी है तो और एनिलीन भी, तो नाइट्रो जो है वो तो क्रोमोफोर के रूप में काम करेगा क्योंकि इसमें पाई बंद है, और जो एमीन है ग्रुप वो एमीन ग्रुप ऑक्सोक्रोम के रूप में कार्य करेगा जो कि कलर की तीव्रता को बढ़ाएगा। ये वाला ग्रुप तो कलर उत्पन्न करने के लिए और ये ग्रुप कलर की तीव्रता को बढ़ाने के लिए। तो ये तो हो गया हमारे पास क्रोमोफोर और ये हो गया हमारे पास ऑक्सोक्रोम। नेक्स्ट क्लास में हम संक्रमण, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण और इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के क्या प्रभाव होते हैं उनको और अच्छे से देखेंगे। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट, ये मेरा रिवाइज्ड वीडियो है क्योंकि पुराने वाले वीडियो में पिक्चर सही से नहीं दिख रहा था। थैंक यू।